टाइटल है द क्वेल एंड हर चिल्ड्रन, यानी एक क्वेल और उसके बच्चे। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। एक बार एक जंगल में एक क्वेल का परिवार रहता था। उन्होंने एक अभिमानी और निर्दयी हाथी के बारे में सुना था, इसीलिए वे चिंतित थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। मादा क्वेल ने कहा, यदि यह हाथी इस तरह से आता है तो वह निश्चित रूप से हमारे घोंसले को नष्ट कर देगा और हमारे नवजात शिशुओं को मार देगा। दूसरा क्वेल उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उस हाथी से विनती और प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे नवजात शिशुओं को न मारे। उसी दिन वह अभिमानी हाथी उस क्वेल के घोंसले के पास से गुजर रहा था। क्वेल ने बड़े विनम्र भाव से उससे कहा, आदरणीय महोदय, कृपया धीरे से चलें ताकि मेरे नवजात बच्चे को डर ना लगे। ये सुनकर वह हाथी बहुत गुस्सा हो गया और वह बोला, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? रुको, आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए सबक सिखाऊंगा। ये बोलकर वह हाथी उस घोंसले के तरफ बढ़ा। फिर उसने एक एक करके क्वेल के सभी बच्चों को मार डाला। फिर उसने कहा, यह तुम्हारे परिवार का अंत है। बेचारा क्वेल अपने परिवार के मृत्यु पर फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं इस विनाश का बदला जरूर लूंगा, और अपने मन में बदले की भाव लिए वह अपने दोस्तों के पास पहुंचा, जो कि एक कौवा, एक चींटी और एक मेंढक थे। वहां जाकर उसने अपनी दुख भरी कहानी अपने सभी दोस्तों को सुनाई। इस कहानी को सुनकर कौवे ने कहा, मैं इस निर्मम हाथी से लड़ने के लिए बहुत कमजोर हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे बताओ कि तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? क्वेल ने कहा, तुम उसकी दोनों आंखों पर चोट कर उसे घायल कर सकते हो। चीटी ने भी उसकी मदद करने की सोची। उसने कहा, क्वेल ने उससे कहा, तुम उसके आंखों में घुसकर वहां अपने अंडे दे देना। फिर मेंढक ने भी कहा, तुम चिंता मत करो, उस निर्मम हाथी ने मेरे बच्चों को भी क्रूर तरीके से मार डाले थे, इसीलिए उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। हम सब मिलकर उसे जरूर सबक सिखाएंगे। अगले दिन उनकी योजना के अनुसार कौवे ने हाथी की आंखों पर चोट कर उसकी आंखें फोड़ डाली। फिर चींटी ने उसकी अंधी आंखों में अंडे दे दिए और उस हाथी को तीव्र जलन
और अधिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। वह हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगा, आह मेरी आंखें, मेरी आंखों में जलन हो रही है। उसने सोचा, पानी, हाँ मुझे पानी की जरूरत है। उसी समय मेंढक ने जोर जोर से आवाज करनी शुरू की। उसने सोचा, मेंढक की आवाज आ रही है, यानी आसपास कोई नदी होगी। वह हाथी मेंढक की आवाज सुनकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन आगे पहाड़ की चोटी थी और वह पहाड़ से गिरकर मर गया। अभिमानी हाथी की मृत्यु के बाद सभी जानवर खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें एक सीख भी मिलती है, और वो ये कि कभी किसी को कम मत समझो, क्योंकि भगवान उस समय आने पर हर एक कमजोर प्राणी को अपने मुसीबत का सामना करने के लिए शक्ति देते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप यू विल वॉच दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड ट्राई टू लर्न द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।